हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिक्स। पहले मैं सोचता था कि ट्रिक्स मतलब कुछ नहीं होता, फालतू फोकट चीज होती है, बट बाद में रियलाइज कि यार चीजें बहुत वैल्यूबल होती है अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस रखें। तो मैं आपको जितनी भी ट्रिक्स बताता हूँ, वो ट्रिक्स पहली बात तो ऐसा नहीं है कि बहुत कंटेंट ओरिएंटेड है, वो ट्रिक्स आपके लाइफ लॉन्ग पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल को आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ट्रिक्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है मेरी नजरों में, है ना? अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, और मैं आपके लिए जो भी ट्रिक्स लेके आता हूँ वो ट्रिक्स ऐसे रटने वाली कुछ भी नहीं होंगी कि यार आपने रटा और छोड़ दिया, और छोटी वाली तो बिल्कुल नहीं होगी। छोटी इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपने ट्रिक को किया और ट्रिक लिमिटेड है, उसके जो यूज है वो लिमिटेड हो। नहीं, मैं आपको वो ट्रिक्स दूंगा जिसका यूज बहुत वाइड हो। तो आज कुछ ऐसी ट्रिक्स को हम देखते हैं। ये ट्रिक्स वैलिड होती है सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स के लिए जिन नंबर का स्क्वायर आसपास आता है 50 के। ठीक है, जिन नंबर का स्क्वायर आसपास आता है 50 के। तो लेट्स सी कैसे होता है। फॉर सपोज टू बी आपसे किसी ने कहा 45 का स्क्वायर निकालो, है मैंने कहा 48 का स्क्वायर निकालो, मैंने कहा आपसे 47 का स्क्वायर निकालो, मैंने कहा आपसे 52 का स्क्वायर निकालो, मैंने कहा आपसे 53 का स्क्वायर निकालो। ठीक, मैंने आपको इतने सारे स्क्वायर निकालने के लिए बोले। अब इट विल टेक टाइम। भाई टाइम तो लेगा कि नहीं लेगा आप बताइए, टाइम लगेगा। लेकिन द थिंग इज दैट कि यार आप अपने टाइम को कैसे सेव करते हैं। अब आप सोचेंगे सर इससे अच्छा तो हम इंटू कर लें, अरे करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, देन यू विल बी आउट ऑफ द रेस, आप एग्जाम में रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंस है, उस टाइम पे मुझे नहीं लगा जब मैं सीखता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है ये चीज। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट फॉर द व्यूज एंड वॉच टाइम, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अब देखिए, कभी भी 50 के आसपास लाइक 62, 63, 65 इनके स्क्वायर निकालने आपको, तो कैसे निकालेंगे समझिए। आप सबको पता है 50 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना। मान लो अगर मैंने आपसे बोला 48 का स्क्वायर निकालो, देखना वर्बली आएगा, तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में से 2 माइनस करो तो ये हो गया 23। समझो ये हो गया 23, आगे की दो डिजिट मिल गए उनको 23। कितना कम है 50 से, ही है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 0 4। यू कैन चेक, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, मतलब किया क्या हमने, हमने देखा कितना कम है, तो भाई 25 में से माइनस किया। अच्छा, ये 52 होता तो कितना ज्यादा है 50 से, 2 ज्यादा है, तो 25 प्लस 2 27, और 2 का स्क्वायर 4, 0 4। यू कैन चेक इट, सर नया फंडा है ना, चीज इंटरेस्टिंग और सिंपल। एक और चीज, फोर सपोज टू हमको देखना है 47 का स्क्वायर, है ना, 47 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए मैंने। अच्छा, 50 से कितना कम है सर, 3 कम है, तो 25 में से 3 गए, इट्स 22, और 3 का स्क्वायर 9। अब ध्यान रखना है यहां पे 2 डिजिट है, यहां पे भी 2 डिजिट चाहिए हमको, अब 9 तो सिंगल डिजिट है, सो पुट 0 हियर, गॉट इट, आई बात समझ में। चलो एक और देखते, 46 भी देख लेते हम लोग। ठीक, कितना कम है 50 से, 4 कम है, तो 25 में से 4 माइनस करिए, 21। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16। आप बताइए कैलकुलेट कर सकते, नहीं कर सकते। अब सपोज टू मैं आपको देता हूं, ठीक है, 56 का, तो देखिए 56 कितना ज्यादा है सर, ये तो 25 से 6 है, 50 से 6 ज्यादा है, तो 25 प्लस 6 ऐड करिए, 31, और 6 का स्क्वायर 36, 3136। देखिए आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यार एक चीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।